wanna partner? Oh, partner, do you wanna partner? Love me, say, wanna partner? Oh, partner, do you wanna partner? Do you want a partner? Love me, say, want a partner? Oh. एक बार फिर से एक साथ आपको नजर आने वाले हैं गोविंदा और सलमान खान। जी हाँ दोस्तों, काफी वक्त से गोविंदा फिल्मों में आने की प्लानिंग कर रहे थे और अब ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि गोविंदा जल्द से जल्द फिल्म पार्टनर में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, साल 2007 की ये फिल्म काफी ज्यादा सुपर डुपर हिट रही थी। उस वक्त भी फिल्म पार्टनर ने गोविंदा को एक अच्छा कमबैक दिया था और अब ऐसा कहा जा रहा है कि 2024 में पार्टनर का सीक्वल बनने जा रहा है, जिसमें आपको एक बार फिर लारा दत्ता, कैटरीना कैफ और कई सारे और अभिनेता और अभिनेत्री काम करते हुए नजर आएंगे। तो वहीं इस फिल्म का मेन मोटो होने वाला है गोविंदा को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर इंट्रोड्यूस करना, उनके डांस फॉर्म को एक बार फिर से बड़े पर्दे पर लेकर आना और उनकी कॉमेडी का भरपूर फायदा उठाना। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि गोविंदा तो अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं अब गोविंदा और सलमान खान की दोस्ती को लेकर भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि एक वक्त पर जब सलमान का करियर नहीं चल रहा था, उस वक्त पर गोविंदा ने सलमान की मदद की थी और अब पार्टनर 2 के सीक्वल के जरिए सलमान खान गोविंदा के करियर में एक बार फिर से उनका साथ देते नजर आने वाले हैं। जी हाँ, इस फिल्म में लव गुरु बने थे सलमान खान, तो वहीं वो डेटिंग टिप्स देते हुए हर किसी को नजर आ रहे थे। उनका क्लाइंट था भास्कर, जिसका किरदार निभाया था एक्टर गोविंदा ने। अब ऐसा कहा जा रहा है कि एक बार फिर से इस फिल्म में सलमान खान लव गुरु बनते हुए आपको नजर आएंगे और गोविंदा के बेटे को सलाह देते हुए नजर आने वाले हैं। वेल दोस्तों, काफी कुछ नया और इंटरेस्टिंग आपको पार्टनर 2 में देखने को मिलने वाला है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप एक बार फिर से सलमान खान और को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए कितने एक्साइटेड हैं। खबरें हैं कि फिल्म साल 2024 में बड़े पर्दे पर आपको देखने को मिलेगी। फिल्म को डायरेक्ट किया था डेविड धवन ने और एक बार फिर से डेविड धवन के साथ बातें चल रही हैं कि वो इस फिल्म में काम करें और इस फिल्म को डायरेक्ट करें, इस फिल्म की कहानी को एक बार फिर से लिखें।